नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन रहा और जिन लोगों ने लाइव सेशन ज्वाइन किया आज 9:15 पे शायद पैसा बनाया होगा, बहुत ही बढ़िया पैसा बनाया होगा, क्योंकि वहां हमने सुबह 10:10 के आसपास में मैंने आपको क्लियरली कहा था कि निफ्टी 16,275 के आसपास में आएगी, 16,276 के आसपास में ये लाइन तक मार्क की थी आपको मैंने, और ये आप वीडियो का जो रिकॉर्डिंग है उसमें आप प्रूफ देख सकते हैं। और मैंने इवेंचुअली ये भी कहा था कि निफ्टी 16,226 तक आनी चाहिए आज में, जब पहले पूरे दिन के बाजार में 16,276 के आसपास बाजार आया, जबकि बाजार खुला अच्छा था, पूरा बड़ी सॉलिड एक ग्रीन कैंडल थी है ना, उसने बहुत ही जबरदस्त लोगों को चौंकाने की कोशिश की, बट मैंने क्लियरली कहा था कि दिस इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन और ये लाइन अभी तक मार्क है और इसको हमने कहा था कि दिस विल बी प्रॉफिट बुकिंग। 16,350 के आसपास का जो लेवल प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ से बाजार गिरते गिरते बहुत ही क्लियरली 276 के आसपास आता है और एग्जैक्टली बाजार यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करता, देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेवल से बाजार चला। और हमने आज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5813 को भी हमने लाइव मार्केट में ट्राई किया, ये काम करता कि नहीं करता, इस पर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब तक आपके पास ऑप्शन चेन नहीं है, जब तक आपके पास ऑप्शन चेन की स्टडी नहीं है, आप किसी भी इंडिकेटर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे कोई भी दुनिया का इंडिकेटर क्यों ना, आई कैन चैलेंज, आई कैन प्रूव इट इन द लाइव सेशन ओनली। ठीक है, यहाँ पे हमको एक बुलिश क्रॉसओवर मिला था, यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर मिला था, बट दिस बुलिश क्रॉसओवर एट अराउंड 10:10 वॉज कन्फर्म बाई दी ऑप्शन चेन एंड वी वेंट लॉन्ग और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे इसमें पैसे कमाए। 350 के आसपास में हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, हम लोगों ने फिर से प्रॉफिट बुकिंग की। आई वॉज प्रिटी श्योर कि 16,226 आएगा, ये लाइन मार्क करके मैं चला गया था। 10:30 पे लाइव सेशन एंड हो जाता है क्योंकि मुझे अपनी पोजिशन भी देखनी होती है, अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पे आई वॉज प्रिटी श्योर कि बाजार में ये आना ही है और आखिरी में देखिए क्या हुआ, आखिरी में बाजार आते आते 16,226 को भी टच किया और औंधे मुँह गिरा। गाइस, दिस वुड हैव बीन पॉसिबल ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन इज नो फन, आप जितने मर्जी इंडिकेटर लगाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, जब तक आप डेटा को सही से रीड करना सीखेंगे नहीं, उसके साथ शिद्दत से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पैसा नहीं आने वाला गाइस। तो अगर आप ऑप्शन चेन सीखना चाहते हैं, मुंबई क्लासेस वेटिंग फॉर यू, महाराष्ट्र के लोग जितने भी आसपास में हैं, दे कैन ईजिली कम टू दिस क्लास एंड दे कैन रियली फाइंड आउट की हाउ टू टेक ऑप्शन चेन एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिकेटर, द मोस्ट लीडिंग इंडिकेटर इन द कंट्री। अब क्या लगता है, अब बाजार में देखने वाली बात है, 16,250 के नीचे लेवल निकल चुका है, निफ्टी सेलिंग जोन में ट्रिगर हो चुका है, डेली गैप से अप हो रहा है, गैप से डाउन हो रहा है, ये सिलसिला बाजार में जारी है और रहेगा। रुपए का कमजोर होना बहुत ही बड़ी वजह रही बाजार में, और बाजार में जब कुछ चीज़ें गिरती हैं तो कुछ चीज़ें बढ़ती भी हैं। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जो बहुत ज़्यादा बाजार को नीचे लेके आए और कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो बाजार को ऊपर लेके जाने में कामयाब हो रहे थे, कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर एक ऐसा स्टॉक था जो हमारा 3% के आसपास प्लस रहा, ऐसे खराब बाजार में भी 3% हिंदुस्तान लीवर प्लस रहा। एशियन प्लेन्स प्लस हुआ 2.46%, इंडसइंड बैंक प्लस में क्लोज हुआ 2% के आसपास, कोटक बैंक ने सरप्राइज किया 1.53%, भारतीय एयरटेल 1%, HDFC 1.4%। ड्रैगर्स जो थे, ड्रैग करने वाले स्टॉक्स थे, स्टेट बैंक था फ्लैट था, TCS भी ऑलमोस्ट फ्लैट था, HCL टेक इन्फोसिस 1% गिरा, बजाज फिनसर ऑलमोस्ट 1% के आसपास, महिंद्रा बाजार को नीचे ले गया। बट ऑलमोस्ट जिसने बाजार को बहुत ज़्यादा गिराया अगर देखा जाए तो दैट वॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका सबसे ज़्यादा प्रेशर बाजार में रहा। तो यहाँ पे बाजार को ड्रैग करने वाले स्टॉक्स ये थे और कहीं ना कहीं बाजार में और भी स्टॉक्स रहे जो ड्रैग करने वाले थे और ड्रैग करने में कामयाब रहे। NTPC 2% के आसपास गिरा, सन फार्मा 2.74%, टाटा स्टील 7%, मेटल में हैवी सेलिंग देखने को मिली, पावर ग्रिड फ्लैट रहा, ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव, टाटा टेक महिंद्रा 1.5%, ITC में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 1.22% के आसपास में। वहीं अगर देखा जाए कि ऐसे कौन से स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा बाजार को नुकसान दिया, वो कौन से स्टॉक्स रहे, दोस्तों रिलायंस 40 पॉइंट्स के आसपास गिरा, और जहां रिलायंस 40% के आसपास गिरा उसने 125% की गिरावट बाजार में दी। टाटा स्टील ने कंट्रीब्यूट किया 60 पॉइंट्स का, इन्फोसिस ने कंट्रीब्यूट किया ऑलमोस्ट 48.9%, बजाज फाइनेंस ने बाजार को ट्रैक किया 27 पॉइंट्स, ITC ने 25 पॉइंट्स, सन फार्मा ने 22%, टाइटन ने 20% और NTPC ने 15 पॉइंट, टेक महिंद्रा ने 11 पॉइंट्स एंड एक्सिस बैंक ने 10 पॉइंट्स। बढ़ाने में एक्सिस बैंक ने 31 पॉइंट्स बढ़ाए बाजार के, कोटक बैंक ने 33 पॉइंट्स बढ़ाए, HDFC ने 50 पॉइंट्स के आसपास गेन दिया मार्केट को, हिंदुस्तान लीवर ने 50 पॉइंट का गेन दिया और HDFC बैंक ने 80 पॉइंट्स का गेन दिया। मिक्स हुआ मार्केट, तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब देखने वाली बात है अब बाजार का लेवल क्या होगा, 250 का लेवल टूट चुका है, अब हमारा जो क्लियर लेवल है जो मार्केट में एक सपोर्ट बन के आएगा वो रहेगा 16,125। 16,150 के नीचे कल अगर बाजार खुलता है तो फिर हम 16,000 की तैयारी आराम से करेंगे, पूरे आराम से वहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या आता है, कैसा डेटा बिल्टअप होता है। गाइस, ऑप्शन चेन का डेटा बहुत डायनेमिक डेटा है, दिन में 4 बार चेंज होता है, 4 बार चेंज होगा, आपको भी 4 बार चेंज होना होगा। और मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स का फॉर्मेशन ऑप्शन चेन के डेटा से होता है, आप समझ लीजिए। स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने बहुत ही क्लियरली कहा था कि 34,259 से
बाजार चलेगा। 55 के आसपास का हमने ये लेवल मार्क कर रखा था और एग्जैक्टली 10:10 के आसपास पे बाजार यहीं से चला और उसके बाद बाजार हम क्लियर थे कि 34,500-600 के आसपास आ सकता है, वो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। 6,700 तक के लिए चला गया बाजार, वहां से एग्जैक्ट प्रॉफिट बुकिंग आई और बाजार उसके नीचे अभी तक नहीं आया। बैंक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिली, आपने देखा कोटक बैंक प्लस रहा, HDFC डीओ प्लस रहे, तो ये बाजार को कहीं ना कहीं गिरने के बाद बावजूद भी थोड़ा बहुत संभालने में कामयाब हुए। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आने वाला दिन, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी अगर 16,120 के नीचे निकलती है तो वी कैन रियली सी 16,000 कमिंग हेड। तो बट हर चीज़ ऑप्शन चेन के ऊपर डिपेंड करेगी, कल देखेंगे बाजार में क्या डाटा बनने वाला है उसके हिसाब से ये एनालिसिस करने वाले हैं। आज का एनालिसिस आई होप आपको समझ में आया होगा। पैनिक नहीं कीजिए, डरिए मत, डर लगता है तो सुबह 9:15 पे लाइव सेशन में मिलिए, और डर को पूरा पक्का निकालना चाहते हैं तो मुंबई क्लास में मिलिए। मुंबई क्लास एक दिन की सुपर मास्टर क्लास, उसके बाद बाकी हम चलने वाले हैं कोलकाता, अहमदाबाद, तो बहुत सारी जगह जाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं आपके शहर में क्लास हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर आपको आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल्स, जैसे भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट सीखने के बाद बाजार में आइए राइस, जहां मर्जी से सीखना है सीखिए। मैं आपको हमेशा से पहले दिन से कहता रहा हूं, जरूरी नहीं आपको मेरे पास आना है, कहीं से भी आना है जिससे आपको कन्विक्शन हो, जिसके सेशंस आप देखते हो, जिसके वीडियोस आप देखते हो, आपको लगता हो, आपका दिल कहता हो कि हाँ मुझे सीखना है। सीखने पे 10-15-20-50,000 रुपये खर्च कीजिए गाइस, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी फीस 50,000 नहीं है गाइस, बट ऐसे लोग हैं जो 50,000-1,00,000 रुपये ट्रेनिंग के फीस लेते हैं। अगर आप पे करना चाहते हैं कीजिए, आपकी मर्जी है, आप सब चीज़ें अपने हिसाब से प्लान कीजिए। बट सीख के अगर आप बाजार में आएंगे तो शायद आपका डर निकल जाएगा। जैसे मैं बाजार में ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे मैं बाजार में कॉन्फिडेंट रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, वैसे ही आप करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं सुबह 9:15 लाइव सेशन में और मुंबई को 29 मई को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।